ये पेंटिंग्स आपको हकीकत के काफी करीब लगेगी, क्योंकि इन तस्वीरों से आप असल जिंदगी में भी आते जाते रूबरू जरूर होते होंगे। ये शानदार चित्र बनाने वाली निशि सिंह मानती हैं कि फुटपाथ पर रह रहे इन बच्चों की जिंदगी संवारना ही उनका एकमात्र मकसद है, और इसका जरिया उन्होंने कला को बनाया। लाइफ आप कह सकते हैं एक संसार फुटपाथ के आसपास बचता है, तो मैं उनको कभी भी मैं रेड लाइट होती है तो मैं उनको ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को जीते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपनी लाइफ को किस तरह से सहेजते हैं। तो वही सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं, और मेरी ज़्यादातर पेंटिंग्स का जो थीम है वो वही सब्जेक्ट रहता है। निशि की दोस्त शिवानी की पहल और भी शानदार है। उन्होंने नेत्रहीन बच्चों की मदद की, वो भी पेंटिंग्स करने से। नतीजा शानदार रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेत्रहीन लोग भी हूबहू वैसे ही चीजों को देखते हैं जैसे कि आंख वाले। यकीन नहीं आता, आप इन ड्राइंग्स को देखिए। उनको समझ होती है, अगर हम उनको अच्छे से बताएं, विजुअल कॉन्सेप्ट्स दें चीजों का, तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब शायद अगर आपसे कहेंगे कि ये पंखा बनाओ, आप इतनी बारीकी से उसका हैंडल नहीं, व्हील नहीं बना सकते थे, पर उस लड़के ने कहीं ना कहीं तो ऑब्जर्व किया ना, उसके दिमाग में है, वो कैसे बाहर लाएं उसका हम प्रयास करते हैं। अब वो वाटर कूलर कैसा लगता है वो इस तरह से बताता है कि यहाँ पर ये बॉडी होती है, ऊपर इसके यहाँ से जहाँ से हवा आती है, और ये उसने बटन्स बनाए हैं। गैलरी में दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है नवजोत की बनाई वो खास पेंटिंग्स, जो समाज के टैबू पर वार करते हुए खुलेपन का समर्थन कर रही है। We should take life as it comes, embrace it, live it to the fullest, and the colors are vibrant because the feeling of spirituality and positivity enters your heart. अब बात उनकी जो कभी जुर्म के अंधेरे में रहे, लेकिन अब अपराध की स्याह दुनिया को अपनी रचनात्मकता से मात दे रहे। जी हाँ, तिहार जेल के खूंखार अपराधियों के जरिए तैयार की गई बुद्ध की ये पेंटिंग्स त्यागराज स्टेडियम की आर्ट गैलरी में आने वाले लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।